तो दोस्तों, हम रोज़मर्रा की तरह पबजी मोबाइल खेल रहे थे, थोड़ी बहुत हमने लूट कर ली थी, जोन के बीच में हम लोग थे, हमारे पास गाड़ी नहीं थी, हम लोग गाड़ी ढूंढ रहे थे, उछल कूद रहे थे। तभी अचानक हमें पीछे से आवाज़ आई और मैंने जैसे मुड़ के देखा, हमारे पीकू भाई पसरे हुए हैं ज़मीन पर। पीकू भाई बोलता कि यार यहाँ पे एक बंदा है जो रिच के पीछे है। तो मैंने कहा कि चलो यार, हम पूरा स्क्वाड है, वो अकेला बंदा है, क्या ही कर लेगा, थोड़ा उछल कूद की जाए, इसको स्पॉट किया जाए ताकि मैं एटलीस्ट अपने स्क्वाड को लोकेशन बता सकूँ उसकी। मैं भी उछल कूद कर ही रहा था कि भाई देखिए भाई, मेरे को जैसे स्प्रे पड़ा मैं लेट गया, मैं देखता रहा पर कहीं पे मुझे बंदा दिखा नहीं। यहाँ मुझे थोड़ा शक हुआ कि यार हैकर हो सकता है, मैं वापस कवर में जाने लगा। इतनी देर में भाई एक और स्प्रे हुआ और हमारे पीकू भाई भी नॉक हो गए। चलो भाई, जेठा भाई हमारे पास थे तो जेठा लाल ने स्मोक मारा, हम स्मोक के अंदर हैं, मैं स्मोक पे हूँ, पीकू भाई स्मोक में, जेठा भाई रिवाइव दे रहे हैं। एक और स्प्रे आया और सिर्फ जेठा भाई हमारे नॉक हुए। भाई इतना तगड़ा कोइंसिडेंस, मैं तो श्योर था कि भाई बंदा हैकर है 100%। तो मैंने अपने स्क्वाड मेंबर्स को कहा कि भाई तुम लोग अगला मैच खेलो, मैं तो इसको स्पेक्टेट करने वाला हूँ। तो यार जो ये रोहित क्लाइमैक्स थे, तो मैंने कहा चलो यार इसको थोड़ा स्पेक्टेट किया जाए। इसकी जैसे मैंने प्रोफाइल चेक की तो यार 10 से ऊपर का केडी था बंदे का और 118 मैच खेले थे सिर्फ। तो मेरे को शक हुआ थोड़ा बहुत, मैंने कहा चलो यार थोड़ा और स्पेक्टेट किया जाए। हमारे रोहित भाई एक बग्घी लेके निकल पड़े और उन्होंने यहाँ पे एक अजीब सी हरकत की, ये घर के अंदर गए, मुझे लगा शायद लूट कर रहा होगा, बट ये इस छोटे से कमरे में, बाथरूम में, जो भी आप इसको कहना चाहें, वहाँ जाके बैठ गए। और करीब भाई मेरी बात मानो 2 मिनट तक बंदा ऐसे ही बैठा रहा, यहाँ से हिला नहीं। पबजी ने लास्ट मंथ एक वीडियो अपलोड की थी, बिहाइंड द सीन्स फाइटिंग अगेंस्ट हैकर, तो उसमें बताया था कि जो हैकर्स होते हैं वो गेम के बीच में ऑफलाइन जाता था ताकि वो हैक यूज़ कर सके। तो मुझे लगा कि शायद ये बंदा भी वही कर रहा है, और अभी आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। बंदा वहाँ से बाहर निकला, इसने बग्घी निकाली और जैसे इसने बग्घी घुमा के थोड़ी सी आगे गया, इसने बग्घी रोकी और ऊपर देखा और वहाँ से देख सकते हो एक जीप जा रही थी आगे। तो मैंने कहा कि चलो यार मान लेते हैं कि भाई की ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ही तगड़ी हैं, इसको दूर से बग्घी मतलब गाड़ी दिख गई दूर से ही। तो भाई उसके पीछे लग पड़ा, अकेला बंदा है, आगे गाड़ी जा रही है, पूरा फोकस उसको चेस करने पर होता है। बट भाई ने यहाँ पे कुछ अजीब सी हरकत की, मतलब अगर मैं यहाँ पे होता तो मेरा पूरा ध्यान होता कि गाड़ी के पीछे लगा रहा हूँ, बट भाई ने यहाँ पे पीछे मुड़ के देखा। मैंने कहा भाई ये हो क्या रहा है। भाई ने एक बार फिर से पीछे मुड़ के देखा और आप देख सकते हैं वहाँ से गाड़ी आ रही है। अरे भाई सर के पीछे भी आँखें लगा रखी हैं क्या। तो भाई उसके बाद तो आपको पता ही है, भाई ने बग्घी घुमाई और चल पड़े मिशन फतेह करने अपना। भाई जैसे ही उतरा यहाँ पे अपना, रोहित क्लाइमैक्स स्प्रे देना शुरू किया रैंडम, अरे थोड़ा सा डैमेज हुआ, चलो मान सकते हैं एम बहुत अच्छा है। फिर भाई ने एक रैंडम स्प्रे दिया, मान लिया कि इनको डराने के लिए दे रहे हैं। उसके बाद स्कोपिंग करके फिर से सेम जगह पे स्प्रे दिया। मैंने कहा कि चलो ठीक है, इनकी कोई टेक्निक होगी, भाई डरा रहे होंगे कि वहाँ मत आओ, मैं वहाँ चलाने वाला हूँ गोलियाँ। इन्होंने स्कोप चेंज किया और इसके बाद इन्होंने इस साइड घूम के देखा, क्यों, क्योंकि भाई उस साइड भी बंदे थे। और ये आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वहाँ पे बंदे थे। तो उसके बाद भाई ने यहाँ पे स्कोपिंग किया, यहाँ पे इसने देख लिया, इसको पता है कि बंदे कहाँ पे हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हो रैंडम स्प्रे और डैमेज हो रहा है। भाई हमें तो बंदा भी नहीं दिख रहा, ये कि वॉल के आर पार कैसे गोली मार रहा है। फिर से रैंडम स्प्रे और आप देख सकते हो कि यहाँ पे डैमेज हो रहा है किसी को। मतलब यार हद होती है कि मतलब हैक करके आपको क्या मज़ा आ रहा है गेम खेल के, तो मतलब आप एंजॉय कीजिए, हैक करने से फ़ायदा करना हो तो आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं, उल्टा आप दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, उनका जो एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं लोग, उनको भी आप खेलने नहीं दे रहे चैन से। तो भाई ने अपनी बग्घी घुमाई तो जो इसको डैमेज दिया गया, ये वही बंदे थे जिसको ये पहले स्कोपिंग करके देख रहा था, तो उन बंदों ने इसको डैमेज दिया। यहाँ पे अपने हैकर भाई ने थोड़ा हील किया और जैसे ये राइट साइड आए, लेफ्ट साइड आए, इन्हें देखा कोई है नहीं। उसके बाद इन्होंने कुछ ऐसा किया, राइट साइड आए, विंडो पे देखा और भाई रैंडम फायर शुरू और ये देखिए बंदा नॉक। भाई रोहित भाई क्या करते हो, और देखिए बंदा फिनिश। भाई बंदे ने सर तक नहीं दिखाया था खिड़की से और इसने वहाँ पे नॉक किया और प्लस फिनिश भी कर दिया स्प्रे देके। भाई इस एंगल से तो भाई इम्पॉसिबल, आई डोंट थिंक दैट कोई ऐसा कर सकता है।
उसके बाद भाई हमारे लेफ्ट साइड आए, यहाँ पे इन्होंने पीक लेने की कोशिश की। इनको एक्चुअली पता था कि भाई बंदा कहाँ से आ रहा है। एक और एग्जांपल देखिए, बंदा सामने है नहीं, इन्होंने स्प्रे देना शुरू किया और देखिए डैमेज। यार आई मीन क्यों, क्या मिलता गया इन लोगों को गेम हैक करके। तो हमारे रोहित भाई फिर दौड़ पड़े यहाँ पे, इन्होंने देख लिया था कि यार कोई बंदा है तो नहीं, एक्चुअली बंदा उनको ऊपर दिख रहा होगा, तभी इसलिए शायद दोबारा फायर किया जा रहा था। मे बी वो बंदा बहुत ही ज़्यादा लकी था कि भाई इस बार इनकी फायर पे आया नहीं, थोड़ी देर के लिए उसकी जान बच गई। तो हमारे ये नूब हैकर है, इसने नेड निकाला और नेड इतना बकवास कि भाई वो विंडो के बाहर लग के ही गिर गया। चलो मान लिया यार इतनी हैकिंग कर रहे हो भाई, लेकिन एम बोर्ड में आई गेस नेड का नहीं होता होगा ऑप्शन कोई। तो हमारे भाई ने यहाँ से देखा होगा कि हाँ भाई बंदे घर के पीछे हैं, तो उन्होंने सोचा चलो यार थोड़ा क्लोजिंग किया जाए। अब ये जा रहे हैं, इनको पता है कि बंदे एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। और मैं क्यों कह रहा हूँ देख लीजिए, राइट साइड इन्होंने स्कोप इन किया, फायर किया, बंदे के निकलने से पहले ही उसको डैमेज हो गया। भाई ऐसी प्री फायर देखिए, मतलब भाई इतना कौन करता है यार। आया बंदा भाई, उसको हिलने का मौका नहीं दिया इसने, आते ही भाई नॉक किया। और ये हमारे जो फ्लाइट डार्क भाई थे यार, ये थोड़े प्रो निकले, जिन्होंने हैकर को वहीं पे खोपड़ी फोड़ दी। तो यार देखिए अब मैं आपको डेथ रिप्ले दिखाता हूँ यहाँ पे। ये बंदा इतनी दूर से स्प्रे दिया, पीकू को इसने यहाँ से डैमेज किया था जब पीकू भाई पसर गए थे। उसके बाद मैंने उछल कूद शुरू की कि मैं देखूँ बंदा कहाँ पे, स्पॉट करने की मैंने कोशिश की बंदे को। और इसके बाद आप देख सकते हो इसने ये स्प्रे दिया, मैं यहाँ पे दिख भी नहीं रहा हूँ एंड मैं डैमेज, मतलब आई मीन मैं यहाँ पे नॉक हो गया हूँ। और इसके बाद इन्होंने आपको पता ही क्या किया। तो यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मज़ा आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।